अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता। जुर्म कोई भी करे, पाप या गुनाह किसी का भी हो, पर उसके लिए एक समाज को या उस समाज के नाम के बराबर कोई हो तो उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश बड़े मुनज्जम अंदाज में की जाती है। दहशतगर्द असल में कोई भी हो, पर ऐसे संगठन का नाम लिया जाए जिससे एक समाज भी कड़घरे में खड़ा हो जाए और अपना जुर्म भी छिप जाए। खैर, बात करते हैं रूस की। रशिया की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में मौजूद एक कंसर्ट हॉल में जुमा रात गोलीबारी की वारदात पेश आई। इस हमले में तकरीबन 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं कम से कम 150 लोग शदीद जख्मी हुए हैं। रूस के डिफेंस अफसर ने सदर पुतिन को बताया कि इस हमले के मुतालिक अब तक कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, इनमें से 4 सीधे तौर पर हमले से जुड़े हुए हैं। अब इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम आईसिस ने ली की बात कही जा रही है, और तकरीबन दुनिया भर के मीडिया ने इस्लामी दहशतगर्द तंजीम ही को जिम्मेदार ठहराते हुए सुर्खियां चलाई। खैर, अब यह कोई नई बात नहीं है कि किसी भी तंजीम का नाम लेने से या न लेने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता हो, पर इस बात पर रूस ने जो सवाल अमरीका से किए हैं, इसके बाद किस हद तक आलमी सतह पर भी साजिशें चली जा रही है, और ना सिर्फ भारत की गली से दिल्ली और दुनिया भर में मुसलमान कैसे निवाला तर होता जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। यकीनन जिन्हें हिरासत में लिया गया इन चारों के नाम मुस्लिम ही है, पर सदर पुतिन के मुताबिक यह हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया, इनकी यूक्रेन की एक साजिश है जिसके पीछे अमेरिका है, ऐसा इनका कहना है। और जेलेंस्की को बचाने की कोशिश एक तरह से हमले को आईसिस को जिम्मेदार ठहरा कर किया जा रहा है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। रूस के सदर पुतिन ने अमेरिका से पूछा कि आईसिस को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, क्या आपको यानी कि अमेरिका को इसका यकीन है या इसके पास दलील है कि यह हमारा आईसिस ने ही किया है क्या, ऐसा सवाल भी सदर रूस व्लादिमीर पुतिन ने किया है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि आलमी सतह पर भी कितनी आसानी से लफ्ज इस्लामिक को कड़घरे में खड़ा किया जाता है, किस तरह एक नैरेटिव आलमी सतह पर सेट करके ठीक रख किसी के भी सर फोड़ दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है वो दहशतगर्द नहीं है या दहशतगर्दी से उसका लेना देना नहीं है या शिद्दत पसंदी से कुछ लेना देना नहीं है, पर एक तस्वीर इस तरह बनाई जाती है जहां तमाम जुर्म थोपने से असल गुनहगारों को बचाया जा सकता है। और पुतिन ने अमरीका से यही सवाल पूछा कि क्या आईसिस ही इस हमले के पीछे है, इसका यकीन तुम्हें है? रशिया का कहना यह है कि यूक्रेन का इसके पीछे हाथ है। वाज़ह रहे कि यूक्रेन रूस जंग काफी अरसे से जारी है और यूक्रेन का काफी नुकसान रशिया की जानिब से किया गया है, लिहाजा इसी इंतकामी जज्बे से रूस के मास्को में हजारों लोग मौजूद थे जहां महज 4 या 5 हथियारों से लैस लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें 140 के करीब लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। अब इस हमले के बाद इल्जामात का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में इस्लामी दहशतगर्दी का हवा खड़ा कर दिया गया है, लिहाजा इसी के मद्देनजर रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए चेचनिया के मुजाहिदीन होने की भी बात कही है और हिरासत में लिए चारों भी मुसलमान ही है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, खुद जंग तबाही नफरत को आम करता है और फिर खुद ही अमन का मसीहा बनकर जाता है। मुख्तसर यह कि अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर इसी जालिमाना रवैये की वजह से शिकस्त खा चुके हैं। 1980-90 में USSR हुआ करता था जो उस वक्त की सुपर पावर कहलाता था। इसी सुपर पावर को खत्म करने में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल किया और फिर रशिया के टुकड़े हुए और अमेरिका सुपर पावर हो गया। कहते हैं अफगानिस्तान की ये पठान कौम ऐसी कौम है आज तक कोई भी इन पर हुकूमत नहीं कर सका। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए भी खुद अमेरिका अफगानिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, उन पर हुकूमत नहीं कर सका और तालिबान के हाथों शिकस्त ख्वार होना पड़ा। भारत भले ही तालिबान को दहशतगर्द वगैरह कहता रहे पर भारत वहां करोड़ों रुपए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा चुका है। यहां के अंधभक्तों को फॉरेन पॉलिसी का इल्म नहीं होता, पर आलमी सतह पर भारत को कुछ जगह पर समझौता करना पड़ता है। खैर, मॉस्को हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की बात कही जा रही है। रूस के डिफेंस अफसर जखारोवा ने कहा कि अमेरिका क्यों में अपने वार्डों के कवर करने के लिए इस्लामिक स्टेट के बोगीमैन का एक नैरेटिव फैला रहा है। जैसा हमने ऊपर कहा कि वाशिंगटन ने मुजाहिदीन जंगजुओं की हिमायत की थी जिन्होंने 1980 के दौर में सोवियत की ईंट से ईंट बजा दी थी। इतना जरूर याद रखना कि दुनिया में कहीं पर भी तबाही के मंजर नजर आते हैं वहां अमेरिका का हाथ जरूर होता है। अभी भी फलस्तीन की गलियों में मासूमों का लहू बह रहा है तो इसराइल के साथ अमरीका भी उतना ही मुजरिम है। जखारोवा ने यह भी कहा कि कई ऐसी दलीलें हैं जिससे मालूम हो रहा है कि यूक्रेन दहशतगर्दों को अमेरिका की हिमायत हासिल है और आईसिस के जरिए दिशाभूर किया जा रहा है। जो भी इतना तो जरूर है कि दहशतगर्द यूक्रेन का हो या अमेरिका का हो, लेकिन आसानी से नाम किसी मुस्लिम तंजीम का ले सकते हैं,
इससे यही समझ में आता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अहम खबरों पर एक नजर। आज होली बरगाम में भी मनाई गई, जिसे हमने कल भी कहा था कि कुछ शरपसंद अनासिरों ने शरारत की कोशिश की लेकिन अपने मकसद में कामयाब न हो सके। पुलिस का भी इंतजाम काफी अच्छा रहा, जिसके लिए वो भी मुबारकबाद के काबिल है। खासकर दरबार गली खड़े बाजार में कुछ लड़कियां भी तोहीन आमोज नारे लगाते हुए देखने को मिला। कुल मिलाकर होली अमन के साथ मनाई गई। रमजान का महीना जारी है, दूसरा आशरा भी खत्म होने को है। रमजान के महीने में सभी मुसलमान रोजा रखते हैं। इफ्तारी में तरबूज और अंगूर खाने से कईयों को दस्त, जुलाब और पेट दर्द की शिकायतों में जबरदस्त इजाफा होने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि तरबूज में इंजेक्शन के जरिए कलर और मीठापन इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कईयों को अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। उमूमन इस शिकायत का तबसरा शहर में देखने को मिल रहा है। आजम नगर यंग कमेटी की जानिब से इफ्तार का इंतजाम किया गया था, जिसमें कई रोजेदारों ने शिरकत फरमाई। खासकर एजाज खान, मुजम्मिल कुतूर, शोएब अत्तार, आरिफ शेख, सलीमुल्ला ने इस खिदमत को अंजाम दिया था। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के लिए बेलगाम से मारूफ शायर सहाफी जनाब शरीफ मोकाशी को नामजद किया गया, जिसका तहनीती इजलास नियाज होटल के बैंकेट हॉल में रखा गया था। इस वक्त शहर के मारूफ शख्सियतों के साथ धारवाड़ अदबी हल्के से कदीर नाजिम सरगरो साहब और मेहर अफरोज काटेवाड़ी मैडम शरीक रही। दिगर मेहमानान ने मुश्ताक हुसैन फारूकी, अमान निजामी, सिकेस नजीर साहब, अयूब राशिद साहब, फजल पठान साहब और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। शरीफ अहमद शरीफ को उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। उर्दू के चाहने वालों के लिए खुशी का मौका है कि शरीफ अहमद शरीफ के दरगाह से आज बरोज पीर जनाब वसीम बेन्नी अरुण थिएटर के करीब नजदीक पंचामृत होटल के वो रहते हैं, इनका अचानक इंतकाल हुआ है। इनके इस तरह अचानक चले जाने से घर वालों को सदमा पहुंचा है। कम उम्र में इंतकाल होने से घर में गम का माहौल देखने को मिला। बाद मगरिब नमाज जनाजा नूरानी मस्जिद इहाते में अदा किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।